मैं अब घर पहुंच गया हूं, तो अभी नहा के फ्रेश हुआ हूं। तो क्योंकि इस वक्त टाइम जो है वो मेरे पास 10 बज गए हैं, तो गाँव से आ गया हूं। तो इस वजह से जो है ना, मैंने कहा कि चलें ये भी बात अपने बहन भाइयों को बता दें। अब घर आया हूं, पहुंचा हूं, तो बेगम ने कहा है कि आप बाज़ार जाएं, वहाँ से सब्ज़ी लेके आएं। और आज जुम्मे का दिन था, तो सच से सॉरी मेरी तरफ़ से, जो तमाम देखने वाले बहन भाइयों को जुम्मा मुबारक हो। तो मैं अब बाज़ार जाऊंगा, वहाँ से सब्ज़ी लेके आता हूँ। बच्चे भी लंच नहीं लेके गए, वो कह रहे थे कि आज जुम्मा है, जल्दी छुट्टी हो जानी है, तो इस वजह से अब बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से जाके सब्ज़ी लेके आता हूँ। यहाँ से हम अरबी लेंगे आज, तो ये सब्ज़ी आज फ्रेश आई हुई है। मैं उन्होंने तो क्या, मैं क्या भाई आपने इस पे पानी इतना छिड़का के छिड़काव किया हुआ है ये सारी, फिर बस जब, बना दिया ना। हाँ जी, जब हम, मैं क्या बनाते हैं ना सब्जी, तो फिर सालन बनाते हैं, तो ये अच्छे तरीके से फ्राई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? ये आपको किसने वो कही? नहीं, वो मेरा बात करने का मकसद ये है कि वो जो लेस और कच्ची सी लगती नहीं, है। ये तो अभी से नमक लगा के रखेंगे ना, अच्छा फिर भी तो हमने इसे अच्छे से धोना ही है। ये बात नहीं होती, नहीं, फिर वो कैसे, वो चमचूर जी, वो क्या कहते चमचूर जी नहीं। हैं। हाँ ये अगर जिस मतलब सूखी हो ना, अच्छा फिर छीलनी आसान होती है, बस होता अच्छा है। आपको सही क्यों नहीं लगती? सही है, पानी इतना डालते हैं कि वजन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, देखने वाले बहन भाई जो कहते थे, वो कह रहे थे कि समेरा जो है ना वो काम काम करे, तो अब मेरे जुम्मे आप लगा दिया करें जो काम नहीं, काम मतलब जो ज्यादा करना ज्यादा था कल, वो मजबूरी थी। यहाँ से हमने बेड उठाया क्योंकि चार पाइयाँ नहीं किसी रूम में भी आती थी। ये कूलर पंखा हमने खरीदा तो ये भी हम बाहर रख के लगाते थे ना, तो इस वजह से फिर हमने वो दूसरे रूम में चीज़ें रख दी हैं। अभी सेट करने वाली हैं सारी, जो मैंने शोकेस अलमारी में से बर्तन निकाले वो भी बाहर ही पड़े हैं, वो साफ करके आज रखूँगी। कल इतना ज़्यादा थक गए थे तो फिर मैंने वो वैसे ही रख दिए थे। मैंने कहा कुछ काम आज किया, कुछ अच्छा, कल कर लेकिन लेंगे। मैंने भी काम मिनटों सेकंडों में कल कर देखें दिया। देखें, ये भी तरीके कर रहा है। मैं सच बताऊंगी, मुझे झूठ बोलना बहुत मुझे भी डॉक्टर ने, अब मैं भी बुरी बता बात देता है। हूँ, मुझे भी डॉक्टर ने कहा है कि एक चाय नहीं वैसे मैं पीनी सभी और सच्ची एक बातें झूठ नहीं करती हूँ, बोलना। सिर्फ जी सच्ची। जी मैं भी हाँ सच्ची बोलता हूँ, मुझे भी डॉक्टर ने कहा है कि आपने झूठ और चाय दोनों चीज़ें छोड़ देनी है। अच्छा, काम तो आपके जिम्मे लगा दिया करेंगे। तो आपको सालन बनाना आता है नो जी। तो फिर ये और नो काम कौन सा करना है? कपड़े धोने आते तो जी फिर और काम कौन सा आता वो बताएं फिर। सही है, नहीं मैं आपको बहुत सारे और सिर्फ भी ये काम काम है। आता है, वो पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया, कूलर में सिर्फ ना पानी डाल के कोला बर्फ का डाल देते हैं, सिर्फ ये काम आता है। वो भी नहीं आता तो वो भी क्यों, हम मैं चाय कितनी जबरदस्त बनाता हूँ, कभी बनाई तो नहीं है। मैं चावल कितने जबरदस्त बनाता हूँ। चावल भी कभी नहीं बनाए, एक दो दफा बनाया, वो सारा मैंने बताया कि इस तरह करें इस तरह करें। मैं सच ये भी बता दूंगी फिर आज। ऐसे तो सच सच ना ना बोले, ठीक है ना। नहीं, काम तो फिर यही होता है ना कि कपड़े धोना, इस्त्री करना, घरों के काम तो नहीं, कपड़े भी मैं स्टीम वाली इस्त्री लेके आऊंगा ना, तो फिर मैं खुद ही का ले करूंगा। इतने ज्यादा मैंने धो धो कर रखे हुए, सारे प्रेस करके रखने वाली हूँ। अच्छा जी, ये अरबी का सालन जो है हम बना रहे हैं आज, सब्जी सीजन में पहली दफा पहली दफा बना रहे हैं क्योंकि सीज़न आया अरबी का, तो आज मैं लेके आया हूँ। बेगम ने फरमाइश की और ये कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा 100 रुपये किलो मिली है, तो बहुत, मेरा ख्याल है कि बहुत महंगी है, नहीं, सही है। तो पहले 200 रुपये थी, अच्छा जी, तो मैं तो इसे भी महंगी कहूँगा। अब ठीक है, 30-40 वाले तो दिन गए। चलें बहरहाल।
मुझे तो बहुत ज़्यादा महंगी लगी। अच्छा चलें, आप इस तरह करें कि बनाएं और मैं ना बच्चों का जो है वो स्कूल से पता करके आता हूँ कि 11 बजे मेरा ख्याल है छुट्टी हो जाएगी। 11 बजे छुट्टी होगी। अच्छा जी, मैं वो भी वो बच्चों आज का भी। लंच भी नहीं लेकर गए, कह रहे थे मामा हम घर आके कहेंगे तुम इसलिए जल्दी जल्दी सारे बना लो। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि देखने वाले बहन भाई हमारी जो है ना वो वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर एक बहुत सारे मेरे प्यारे भाई हैं और बहुत सारी आप ही हैं, मैं उनका नाम मेंशन किसी और वीडियो में करूँगा, तो वो मुझे बहुत अच्छे कॉमर्स से जो है ना वो अच्छे अच्छे अल्फाज से याद करती हैं, तो अच्छा बहुत आप ऐसा बहुत कह रहे हैं थैंक यू। वीडियो नहीं बनाए, पंखा चलाएं, पंखा हमने इसलिए बंद किया फिर बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है, हमारी आवाज़ नहीं आती, तो आप ऐसा करेंगे पंखा चलाएं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अच्छा हाँ जी, आप ये बातें बाहर जाकर दरख्त के नीचे करें। जी ये तो आप मुझे फिर पनिशमेंट ही दे रही नहीं हैं। क्या करें बस, बहुत ज़्यादा गर्मी, जल्दी करें। चलें जी ठीक है, मैं पंखा चलाता हूँ, तो आप इस तरह करें कि जल्दी से फिर सालन बनाएं। समेरा ने तकरीबन जो है वो सब्जी नज़दीक लगाई दी, छील छील के अब सालन बनाएगी। मैंने छिलका काट लिया, अब इसे नमक लगा के रखती हूँ, तो फिर इसे वॉश करेंगे, तब तक मैं प्याज वगैरह काटती हूँ, तो इसे का नमक अब रखती हूँ, फिर बनाते हैं सालन। हाँ जी भाई, आज किधर हो, फिर क्या है? अच्छा अच्छा उस दिन भी नहीं होया सी, एक दो काम हो गया, एक रह गया, बस एक ही रह गया। सही। हाँ जी, उस तो बाद होर भी काम कराने से भाई जरेज भी सीगा, इन्हों ने एक दो देखिए, एक दो बस जोड़ा है ना वो जुमा करके नहीं हुए। हाँ जी, आज जुमा वा ना। हाँ जी सही। बाकी चलो अल्लाह तला करे। तो भाई किधर गए? इत्थे बाजार नू गए आ, 5 गए से उत्थों आए, तो हुण चक गए से उत्थों आए, तो बाजार गए हुए। सही। तो बच्चे स्कूल, बच्चे स्कूल, इन्नी गर्मियां सच्ची छुट्टियां कर देना, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, आज तो 333 चक नहीं साडे नाल। हाँ जी, इत्थे बच्चा बेहोश होया मरनो बेचारा, मसी बच्चे वाला। असी सुबह नू बच्चे ने ला के भेजी दिया, जे सो वापस आंदे स्कूल फिर भी। और एक चक इधर उत्थे भी बच्चा, ओदे खून आ के मसी बचाया उन्होंने, ताई तक पानी पा पा के वो बड़ी मुश्किल। भी जो टिब्बे जिधर साढ़े आ, तो अगे चले जाओ, तो अगे वो 10 किलोमीटर जाओ, तो अगे जिथे ब्रोन शुरू होंगी है, उस तो बाद उत्थे कोई हाल नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी, पंखे आगे भी सुकून नहीं। एक टीचर से उन्हें वीडियो बनाई, उन्होंने कहा आप बच्चे जड़े आए हैं, ते दो बच्चियां सी, इन्हीं एक बच्चा सी, उन्होंने कहा भी 10 किलो 4 किलोमीटर इन्हों ने सफर आ, कितना टिब्बे तो जान। हाय हाय सच्ची। जी मैं उसे गल करने का मकसद ये है भी, हाँ जी भाई जी गर्मी लग रही है। हाँ जी, अगर पंखा चला के कोई वीडियो बनाने हैं तो फिर आवाज नहीं आती। हाँ जी, फिर इस करके बंद कर ली, फिर पसीने ना भेज जाते एक मिनट च। चलो चलाओ पंखा, तो पियो चाह। टमाटर मिर्चें काटती हूँ और प्याज वगैरह, फिर बनाती हूँ सालन। लहसुन भी चीर लिया है, हरी मिर्चें प्याज काट लिए, ये टमाटर चीर रही हूँ, और अरबी भी अच्छे से धोकर मैंने रख लिए, इसे फ्राई करती हूँ। फ्राई करते करते साथ साथ ये चीज़ें बाकी की तैयार कर लूँगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। ऑयल डाल के रख लिया, देखती मैं अच्छे से गर्म होगा, फिर इसमें अरबी डालती हूँ। अच्छे से गर्म होने तक सब मैं इसमें अरबी डालती हूँ, अच्छे से फ्राई करेंगे, तब तक मैं साथ साथ टमाटर वगैरह काट लेती हूँ। अभी मैंने फ्राई कर ली है, अब इसे बाहर निकालती हूँ, कूलर की आवाज़ भी आ रही है क्योंकि गर्मी है, तो चलिए अब बाहर निकालते हैं अभी, फिर इसका तड़का बनाते हैं। प्लेट में मैंने निकाल ली है, अब इसी ऑयल में प्याज डालते हैं। अब जो अरबी हमने फ्राई होने के लिए रखी हुई थी ना, सॉरी फ्राई करके रखी हुई थी, वो अब मसाले में ऐड करते हैं। मज़ेदार सी अरबी बन चुकी है, तो
थोड़ा अब इसमें मसाला डाल देंगे, कटा हुआ जीरा मसाला, कटा हुआ धनिया। अब इसे करेंगे मिक्स। अब इसे कवर कर देंगे, दो मिनट तक और पका लेते हैं। सालन बन चुका है बर्फी का, बच्चों को रोटी बना के देती हूँ। जी सालन हमारा बन के तैयार हो गया है, तो अब रोटी भी तंदूर से लगवा के मैं आ गया हूँ, तो अब बैठ के हम सब खाना खाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं खाना खाना। जी खाना खाने के बाद फिर मैं जुम्मा नमाज पे चले गया था, जुम्मा नमाज पढ़ के आके सो गया था। सो के उठा तो याद आया कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो मैंने कहा चले वीडियो अपलोड करते हैं, साथ ही अपने बहन भाइयों से इजाज़त ले लेते हैं, तो इसी पे एंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर करना। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।